किसानों का मुद्दा जो चुनाव से पहले हर सियासी पार्टी का मुद्दा बन जाता है, आज इसी मुद्दे को लेकर खुद किसान सड़कों पर उतर आए हैं। संसद भवन तक आज किसानों का कूच होगा और कल हमने देखा था किस तरह से गांधी मैदान में इन किसानों ने डेरा डाला था। लगभग 207 ऐसे किसान मोर्चा हैं जो एक साथ संगठित हुए हैं, संसद भवन तक कूच करेंगे। कर्ज माफी की मांग और साथ ही फसलों के सही दाम यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की भी मांग इन किसानों की तरफ से की जाएगी। रात भर रामलीला मैदान में किसानों का जमावड़ा लगा रहा। किसानों के मार्च को लेकर सुरक्षा बंदोबस्त कड़े कर दिए गए हैं और एडवाइजरी जारी की गई है उन रास्तों की जहां से होकर ये किसान संसद भवन की तरफ मार्च करने जा रहे हैं। किसानों का कर्ज माफी का सबसे बड़ा मुद्दा है। हजारों की तादाद में किसान मार्च करने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं, यानी कि इस वक्त किसान आंदोलन काफी जोर शोर से देखा जा सकता है राजधानी दिल्ली में, क्योंकि यहां पर अलग अलग क्षेत्रों से किसान इकट्ठित हुए हैं और एक साथ ये मार्च करेंगे संसद भवन की ओर। उससे पहले तीन तस्वीरें हम आपको दिखा दें किस तरह से कल रामलीला मैदान में इन सभी किसानों ने डेरा डाला था, लेकिन ये रंगारंग कार्यक्रम भी इस आंदोलन का हिस्सा है। अभिषेक आनंद हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, कितने बड़े बजे ये मार्च शुरू होगा और कब तक संसद भवन तक ये मोर्चा पहुंचने की तैयारी है? दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि किसान आज संसद भवन तक मार्च करना का तैयारी कर चुके हैं। किसानों के प्रदर्शन के चलते भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें बता रही किस तरह से कि किसान महासभा जिसका आयोजन आज किया गया है उसमें देश भर से किसानों को जुटाने की कोशिश की गई है, ताकि जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहां पर अलग तरीके की मांगें, हालांकि जो कर्ज माफी की मांग है और न्यूनतम समर्थन मूल्य की और साथ ही जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में जो मांगे लिखी गई हैं उन्हें लागू करने की भी यहां पर किसान पहल कर रहे हैं। नंदुरबार महाराष्ट्र से आदिवासी किसानों के बच्चे आए हैं और ये स्पेशल परफॉर्मेंस दे रहे हैं यहाँ पर रामलीला मैदान में। इस वक्त हम लोग हैं, संसद मार्च शुरू होने वाला है और ये जो आप डांस देख रहे हैं ये एथनिक डांस है इनका, ये एक रिचुअल है इनके डांस का। और ये सारे बच्चे जो है ये नंदुरबार के आदिवासियों के बच्चे हैं और ये डांस करके यहाँ पर अपना विरोध जता रहे हैं। ये स्पेशल डांस जो है ये नंदुरबार के ही एक छोटे से हिस्से के जो आदिवासी हैं उनका ये डांस है। और ये जो आप देख रहे हैं ये रामलीला मैदान में हो रहा है। ये बच्चे भी अपना हक मांगने आए हैं और अभी ये कुछ देर में ही ये संसद मार्च भी करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये आदिवासी बच्चे जो किसानों के हैं और नर्मदा से विस्थापित हुए जो किसान हैं, जिनको रिहैबिलिटेशन साइट में आज तक शिफ्ट किया गया है, लेकिन उनसे उनको जो बाजार भाव मिलना चाहिए वो भी खेती को नहीं दिया जाता है, इसके लिए उसका निषेध करने के लिए ये सारे आदिवासियों के जीवनशाला के बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। तो लाखों की संख्या में ये किसान इकट्ठा हुए हैं और ये संसद भवन तक कूच करेंगे, लेकिन इस बीच वहां पर ट्रैफिक व्यवस्था की क्या किस तरह से वहां पर व्यवस्था की गई है और किस तरह से अलग अलग रूट्स प्रभावित होंगे, इन सभी बातों का जायजा लिया है हमारे संवाददाता चिराग गोठी ने। इस वक्त हम रामलीला मैदान पर मौजूद है। अलग अलग जगहों से प्रांतों से तमाम किसान लोग यहाँ जुट रहे हैं और संसद तक मार्च की तैयारी है। सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम है, न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि आप देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी यहाँ मौजूद है, आरपीएफ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान है, इसके अलावा तमाम जो सेंट्रल एजेंसीज हैं सिक्योरिटी एजेंसी है वो जवान यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो उसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा। आप देखिए रामलीला मैदान के बाहर भी तमाम किसान जुटे हैं और यहाँ पर भी सुरक्षा काफी टाइट की गई है, क्योंकि ये लोग जब संसद तक मार्च करेंगे तो जाहिर तौर पर ऐसे में ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा होगी। डाइवर्जन किए गए हैं, लोगों को सलाह दी गई है कि रणजीत सिंह फ्लाईओवर से कनॉट प्लेस होते हुए संसद मार्ग तक पहुंचेंगे तो वहां आसपास के जो रूट से जाहिर तौर पर इफेक्टेड होंगे, लेकिन आप देखिए सुरक्षा के यहाँ पर अभूतपूर्व इंतजाम है। जैसा मैंने बताया तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज फोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं और सुरक्षा जो है वो पुख्ता हो इसको लेकर तमाम एजेंसीज जो है वो यहाँ पर सड़क पर हैं, ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। कैमरन सुनील के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। तो आपने देखा किस तरह से व्यापक स्तर पर इस मार्च का आयोजन किया गया है, देश भर से किसान यहां पर इकट्ठा हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक आनंद हमारे संवाददाता सब तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, इस वक्त क्या स्थिति है, मार्च शुरू हो चुका है, कब तक संसद भवन पहुंचने की तैयारी है? बोलिए, 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 बोलिए।
अभिषेक से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सिर्फ महज ये मांगों को लेकर मार्च नहीं है, बल्कि स्वामीनाथन रिपोर्ट में जो कुछ लिखा गया है उसे लागू किया जाए, इसे लेकर भी इस वक्त किसान संगठित हुए हैं। और ये जो अलग अलग आदिवासी इलाके हैं वहां के नृत्य भी ये किसान इस वक्त सड़कों पर कर रहे हैं, क्योंकि तैयारी काफी वृहद स्तर पर की गई है और संसद भवन तक पहुंचने का यहां पर प्लान किया जा रहा है। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।